हाय एवरीवन, कैसे हो? तो बहुत दिनों के बाद यहाँ पे एक मैं आपके लिए नया वीडियो लाया हूँ। और इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये जो है सीड्स, ये सीड है इस प्लांट का, ये है डिजर्ट रोज या फिर आप कह लीजिए एडिनियम। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है स्टेप नंबर वन, हमको इस सीड पॉट से जो है ये सीड्स सब निकालने हैं। पहले इनको निकाल लेते हैं, काफ़ी सारी सीड्स हैं, देख सकते हैं। ऐसे ही आपको सब कुछ निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो दोनों तरफ इसके हुक्स हैं, जो ये इसको ऐसे इस तरह करके सबको अलग कर लेना है। तो इन दोनों को हमने अलग कर लिया है, देख सकते हैं। ये है इसमें से निकला सीड। अभी इसके बाद क्या करना है आपको बताता हूँ। तो अभी हम इसमें डालेंगे फंगिसाइड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर फंगिसाइड नहीं डालेंगे तो ये ख़राब होने का चांस रहता है। इसको मिलाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड डालता हूँ, 1 ग्राम 1.5 ग्राम काफ़ी होता है। तो उसके बाद इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। ये 3 सीड पॉट की टोटल सीड्स हैं और इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। चलो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसके ऊपर एक कोटिंग आ गई है, देख सकते हो। तो ये हो गया। अभी हमको करना है इसके लिए जो है पैड की तैयारी, इसको हम जिसमें डालेंगे उसकी तैयारी करना है। चलो उसकी तैयारी करते हैं। सीड को लगाने के लिए जो बैड हमने तैयार की है, ये सिंपल सैंड है जो घर में घर बनाते टाइम यूज़ करते हैं, ये वही सैंड है। तो इसके अंदर हम लगाएंगे इस सीड को। तो इससे पहले मैं इस पानी में फंगिसाइड डालूँगा थोड़ा सा, और इसको अच्छे से मिला के इसको पहले इसमें डाल दूँगा, अच्छे से भिगा दूँगा, उसके बाद ही हम इसको इसमें डालेंगे। तो ये हम मिला लेते हैं पहले, ठीक है। ये अच्छे से मिला लिया हमने, अभी इसको हम डालेंगे अच्छे से चारों तरफ। थोड़ा सा और पानी मैं इसमें डाल देता हूँ। चलो अभी इसको हम थोड़ा सा फिर से इक्वल कर देते हैं, इक्वली इसको थोड़ा सा जो है ऐसे कर देते हैं। हमारा बेड जो है ये रेडी हो चुका है। तो इसको मैं अच्छे से इक्वली डिवाइडेड करके इसे डालूंगा। इसको थोड़ा सा डिवाइड, मतलब थोड़ा सा जो है डिस्टेंस, देख सकते हो इतना इतना डिस्टेंस में लगाना है। ये मेरा बड़ा, बहुत ही बड़ा पॉट है जो मैंने खुद बनाया है। अगर आपको ये बनाना है इस टाइप का पॉट, तो आप मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं देख सकते हैं। मैंने प्लांट जो सीमेंट का गमला है कैसे बनाया है, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो इसको हम ऐसे लगा लेंगे, मैं सब लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ फाइनली आपको इसके बाद क्या स्टेप करना है। तो हमने जो है सारा सीड इसमें जितना आ सकता था, फिलहाल मेरा सारा सीड ख़त्म नहीं हुआ है, तो जितना सीड इस पॉट में आ सकता था मैंने इक्वली थोड़ा थोड़ा जो है, देख सकते हैं इतना इतना डिस्टेंस छोड़ के इसमें सारा डाल दिया है, ठीक है। तो
अभी जो फाइनल स्टेप है इसके ऊपर हम एक उसी जो है सैंड का ही एक छोटा सा लेयर, बस इसको ढकने लायक एक छोटा सा लेयर हम दे देंगे। इसको बस ढकना है, बस छोटा सा लेयर, ज़्यादा ढक देंगे तो फिर ये गल जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो ज़्यादा इसके ऊपर लेयर नहीं डालना है, बस ढकने लायक एक लेयर आपको इसके ऊपर डालना है उसी सैंड का जो हमने इसके नीचे भी दिया है। हो गया आराम से, लेयर पूरा हो गया, अब बाहर निकल आ रहा है, थोड़ा सा दबा देते हैं। चलो देखो ये हो गया हमारा, कितना पहले तो आपको सीट कलेक्ट करना है, उसमें से जो है उसका हस्क होता है जो साइड में से जो रुई जैसी निकली होती है उसको आपको निकाल के अलग कर लेना है। उसके बाद उसमें आपको डालना है कोई सा भी आप डाल सकते हैं फंगीसाइड पाउडर, उसको फंगीसाइड डाल के मिला लेना है। उसके बाद आपको ऐसे बेड तैयार करना है जिसमें सिर्फ आपको सैंड डालना है और कुछ नहीं, और उसमें भी फंगीसाइड का जो है मिला के पानी में आपको पहले अच्छे से इसमें पानी डाल देना है। उसके ऊपर आपको करना है सीडलिंग, जैसे आपको मैंने दिखाया अभी, एक एक इंच आपको छोड़ के जो है सीड डालना है इसमें, जितना सीड इसमें अच्छे से आ सके। बात इसके ऊपर एक छोटा सा लेयर आपको सैंड का ही डालना है। अभी इसके बाद क्या करना है देखिए, आप चाहें तो इसमें पानी डाल सकते हैं फंगीसाइड मिला के और एक बार थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इसमें भीगने लायक, ठीक है, और या फिर आप सिंपल पानी भी डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए जो आप पानी डाल रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान से डालना पड़ेगा, जो आपका स्प्रेयर आता है मतलब जो बहुत ही धीमी पानी जो छोड़ता है, आप ऐसे डाल सकते हैं, देख सकते हैं ये बहुत ही धीमी धीमी इसमें जो है गिर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अब इतना तेजी से भी पानी मत डालिएगा कि इसके ऊपर जो लेयर है वो डिस्प्लेसमेंट हो, इसका जो ऊपर का लेयर है वो इधर उधर हो, आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। और आपको हर दो दिन में एक बार चेक नहीं करना है इसको, आप दो दिन तक थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें डालिए ताकि ये बिल्कुल सूखे नहीं, इसको सूखने नहीं देना है, थोड़ा ये गीला ही रहना चाहिए दो तीन दिन, जब तक ये जो है स्प्राउट इसका जो है ना निकल जाए। तो इसको मैं पानी अच्छे से दे देता हूँ, पहले भी मैं पानी दे चुका हूँ इसमें, और इसके ऊपर जो है थोड़ा सा पानी मैं और डाल देता हूँ ताकि ऊपर भी जो है भीग जाए ठीक से। आपको ऐसे ही पानी डालना है, ध्यान रखिए डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, ऊपर का लेयर बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए पानी डालने के टाइम। और ये आपको 7 दिन तक ऐसे ही पानी डालना है। आपको मैं दिखाऊंगा दूसरा बेड जो मैंने पहले ही तैयार करके रखा है जिसमें स्प्राउट जो है निकल आए हैं। तो ये हो गया, इसको धूप में ना रखिएगा और इसको चेक मत कीजिएगा, मतलब कल ही चेक कर लिया, एक दिन बाद ही चेक कर लिया ऐसे निकाल के कि हो रहा है या नहीं, डोंट डू दैट, ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, वो सेट खराब हो जाएगा, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक 7 दिन के अंदर ही आपका जो है सीडलिंग तैयार हो जाएगी, इसमें से स्प्राउट निकल आएंगे, स्प्राउट अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये जो है 7, इसको 7 दिन भी नहीं हुए हैं अभी, ये 5 या 6 दिन इसको हुए हैं, और देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें से जो है स्प्राउट निकल आए हैं। इसमें मैंने एक ही पॉट मतलब एक ही सीड पॉट का जो है सब सीड डाला था, तो इसमें ज़्यादा नहीं डाला था, तो ऑलमोस्ट 90% जो है ये सक्सेसफुली जर्मिनेट हुए हैं। अब इसको मैं आप इसका अपडेट मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा जरूर, जब मैं प्लांट करूंगा इसको। हालांकि इसको अभी 2 महीने से 3 महीने लगेंगे मतलब इसको ट्रांसप्लांट बड़े पॉट में करने के लायक होने में इसको अभी 2-3 महीने लगने वाले हैं, तो इसमें ये आराम से 2-3 महीने अभी बढ़ेगा। इसको बस थोड़ा सा पानी ही डालना होता है और
डायरेक्ट सनलाइट से जो है इसको बचाएं, और बहुत ही ज़्यादा पानी मत डालें, बस थोड़ा सा जो है इसमें इतना ही पानी डालें कि ये सूखे नहीं। बस ये हो गया रेडी, और ये है 7 दिन, लगभग 7 दिन ही मान लीजिए, 7 दिन में ऐसा ही आपका रिजल्ट आएगा। तो ये करके देखिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा जरूर, जब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगा। तब तक के लिए बाय, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।